हेलो टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, इसीलिए। तो आज का वीडियो टॉपिक है हाउ टू शेडिंग ऑन फेस। एक फेस के ऊपर आप अच्छे तरीके से कैसे शेडिंग कर सकते हो, हर एक टेक्निक मैं आज बताऊँगा, दिखाऊँगा सब कुछ। तो चलो वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं, मिलते वीडियो के एंड में, लेट्स गो। तो इस पिक्चर में जहाँ जहाँ पर डार्कनेस है उसको ऑफ करने के लिए मैंने पेंसिल को थोड़ा प्रेशर के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर आईज के लिए 4B लिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले जितना टाइम आगे जाएगा मैं ग्रेड भी बढ़ाता जाऊँगा पेंसिल का। अभी यहाँ पर सेकेंड आई के लिए मैंने पहले वाले आई के लिए जो भी प्रोसेस अप्लाई किया था सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई होगा, लेकिन अपने जो रेफरेंस फोटोग्राफ है ना उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए। तभी नोज की बारी है, तो मेरा जो रेफरेंस फोटोग्राफ है उस पर नोज बहुत ही लाइट है क्योंकि यहाँ पर सीधा हाइलाइट्स ऑफ हो रहा है। तो जितना हो सके उतना कम शेडिंग करूँगा नोज की फ्रंट पार्ट पर, लेकिन दो साइड पे उससे ज़्यादा शेडिंग होगा। तो मेरा रेफरेंस फोटोग्राफ में यहाँ पर लिप्स के पार्ट में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, यहाँ पर शेडिंग बहुत ज़्यादा करना होगा। तो मैंने पहले 4B अप्लाई किया, उसके बाद मैंने 5B भी की अप्लाई किया, थोड़ा सा 4B लिट का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर स्किन को टेक्सचर देने के लिए बी ग्रेड पेंसिल एंड 4B ग्रेड पेंसिल का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब देख सकते हो मैं अभी तक एकदम ब्लेंड नहीं किया है, सिर्फ शेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर को और निखरने के लिए नोज के साइड में एंड उसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई ब्रश के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ।
अब देखो यहाँ पर हैंड का जो पार्ट है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, इसी वजह से यहाँ पर जितना हो सके कम से कम ग्रेड का इस्तेमाल करूँगा। एंड बीच बीच में जहाँ पर बहुत ज़्यादा शेडो है वहाँ पर 4B का अप्लाई करूँगा एंड उसके बाद 10B का अप्लाई करूँगा। You've been talking about patience, hoping for everlasting. You're known for talking crazy, I know it's infatuation. You know I feel inside, you know what is real and I rock with your vibe, but I don't think that we should tie. अब देखो यहाँ पर क्लोथ्स का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उतना में डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो जितना हो सके अच्छे से ऑब्जर्व करो अपने रेफरेंस फोटोग्राफ को, उसके अकॉर्डिंग आप धीरे 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 उस पैटर्न को डिज़ाइन करो, ड्रॉ करो, फिर उसके ऊपर शेडिंग करो। To say, I hope you don't feel no way. I hope you don't make the same mistakes when you blow the flame. You're kind of obsessive to me. You're kind of too strong on your feet. I can't say that I guarantee, but I know what you mean to me. तभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 10B का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखो जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है ना, उसके लिए मैंने यहाँ पर ग्राफाइट पाउडर का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब बारी हेयर की, हेयर के लिए मैंने यहाँ पर सॉफ्ट चारकोल का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क होता है। अभी देखो यहाँ पर हेयर के शेडिंग के पहले यहाँ पर मैंने इंडेंटी टेक्निक का इस्तेमाल किया था। लास्ट में यहाँ पर हेयर को ब्लेंड करने के लिए मैंने ड्राई ब्रश का इस्तेमाल किया है। That's it for today guys, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना। अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाई।